चलें जी, आज हमारा जो है वो ओरिएंटेशन सेशन है, फर्स्ट क्लास है इस्लामियात की, तो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। उन लोग के लिए जो मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं, मेरा नाम मीरम है और मैंने सीएसएस 2021 क्वालिफाई किया है। सीएसएस 2022 में मेरे इस्लामियात में 71 मार्क्स थे। तो ये 71 मार्क्स जो है लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए हम देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज हमने ट्राई करनी है जो कि डिफरेंट करनी है दूसरे लोगों से, तो तभी आपके मार्क्स आएंगे। अब देखिए, मोस्टली होता ये है कि इस्लामियात के अंदर जब एग्जामिनर इस सब्जेक्ट को हिट करता है तो फेलियर रेशो बहुत ज्यादा होती है। कंपल्सरी सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो इंग्लिश एस्से और प्रेसी के बाद जो तीसरा पेपर हिट होता है या जिसमें सबसे ज्यादा फेलियर रेशो होती है, वो इस्लामियात में होती है। और जो लोग पास करते हैं वो उसको अराउंड 40% पे पास करते हैं, 40, 45, 50 मोस्टली मार्क्स इतने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर आते नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि 60+ स्कोर भी कर जाते हैं या 70+ स्कोर भी कर लेते हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से हर कोई ये कर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी अप्रोच को चेंज कर। हम इस्लामियात को लेके बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं या बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं। इन दोनों केसेस में हम अपना जो फोकस है वो खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हम स्कोर नहीं कर पाते। अब करना क्या है वो तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं करना। सबसे पहले तो ये कि डू नॉट कंसिडर इट टू इजी और टू डिफिकल्ट। ये जैसे पहले मैंने आपको बताया, जब आप इसको बहुत कैजुअल लेंगे, बहुत ईजी समझेंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या होगा, ये बैक फायर करेगा, आप इस्लामियात में फेल भी हो सकते हैं। और अगर आप ये समझेंगे कि बहुत मुश्किल है तो फिर ये ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके। और बहुत ज्यादा जब आप एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी बाकी प्रिपरेशन जो होती है वो इम्पैक्ट होती है। तो इसलिए आपने जो है इसको टेक्निकली डील करना है, इसकी अप्रोच को ठीक करना है अपनी, और इसके ऊपर काम करना है, इसको लेके परेशान नहीं। दूसरी चीज आती है, अभी मैंने ये सेशन इसकी जो है एडवर्टीजमेंट दी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऑलरेडी पूछना शुरू कर दिया। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, जिनको पता है कि मैंने उर्दू में दिया था या इंग्लिश में दिया था उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता आप इस चीज को छोड़ दें। वजह क्या है कि इंग्लिश या उर्दू में ऑप्ट करने से आप पास या फेल नहीं होते, ये चीज मैं आपको श्योरिटी से कह सकती। लैंग्वेज आपको पास या फेल नहीं करवाती, आप जो सब्जेक्ट मैटर है अगर आप उसको डील सही कर रहे हैं तो आप पास या फेल होंगे। लैंग्वेज तो मैटर नहीं करती, लैंग्वेज एक ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का जरिया है, वो इस हद तक मैटर करती है कि आप उसमें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा। हाँ, होता ये है कि बहुत सारे लोगों की उर्दू की इमला दुरुस्त नहीं होती, वो अल्फाज की अदायगी ठीक नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से जाहिर है मसला होता है, या फिर जो जिसको हम कहते हैं लुगत या वोकैबुलरी कहते हैं वो अच्छी नहीं होती उर्दू में, तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है, ये मसाइल नहीं है आपके साथ, तो आप उर्दू में उसको लिख कर आते हैं, इंग्लिश में लिख कर आते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहां तक बात है पढ़ाने की, ये बात भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मुझे एक स्टूडेंट ने कहा, वो ऑलरेडी रजिस्टर भी हो चुकी है इस बैच के अंदर, कि मैम मैंने इस्लामियात का कोर्स लिया था, वो जो मिस थी उन्होंने खुद इंग्लिश में ऑप्ट की हुई थी, तो इसकी वजह से हमें समझ नहीं आई जो उर्दू वाले थे उन्हें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तो टीचर जो पढ़ाने वाला है उसकी अप्रोच अगर ठीक है ना, तो वो डिपेंड नहीं करता कि वो उर्दू में उसने लिखा था या उसने इंग्लिश में लिखा था। या मोस्टली आप वो लोग भी तो देखे ना जो इस्लामियात पढ़ा रहे हैं जनरली, जिन्होंने तो खुद कभी सीएसएस का एग्जाम दिया ही नहीं है, इधर वो एमए इस्लामियात होते हैं, या उनकी वैसे अरेबिक पे कमांड होती है, इस्लामियात को एज अ सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा होता है, वो पढ़ा रहे होते हैं। तो ये चीज मैटर नहीं करती है, आपने क्योंकि क्रैमिंग तो करनी ही नहीं है, आपने सिर्फ अप्रोच जो है उसको गेज करना है। आपको एक दफा अप्रोच समझ आ गई तो मैं जो आपको समझा रही हूँ वो मैं आपको इधर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रही हूँ, उर्दू में कर रही हूँ, फारसी में कर रही हूँ, समझ आपको आ जाएगी। आपने वहां जाके कुछ जनरेट करने आंसर्स, अपने रूट मेमोराइजेशन तो करनी ही नहीं है, तो इसलिए इट डजंट मैटर। अगर आपको कोई सोर्स अच्छा उर्दू में मिलता है तो वो उर्दू में पढ़ लें,
बाज़ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश में नहीं मिल रहा होता, उर्दू में पढ़ लें, और बाज़ आपको जो है वो ऐसा होता है कि मतलब वाइस वर्सा हो जाता है, कुछ टॉपिक उर्दू में अच्छे मिल जाते हैं, कुछ इंग्लिश में अच्छे मिल जाते हैं। किसी भी लैंग्वेज में ऑप्ट करें, जहाँ मटेरियल अच्छा मिलता है उसको पढ़ लें। फिर तीसरी चीज आती है कि सिंगल सोर्स पे तो आपने बिल्कुल रिलाय कर, अब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मोनोटोनी हो जाती है। देखें अगर अभी हम देखें मार्केट के अंदर जो कि दो किताबें हैं इस्लामियात की, एक जहांगीर वर्ल्ड टाइम वालों की पब्लिकेशन है और दूसरी जो है वो करीम दाद साहब की है, दोनों किताबें बहुत अच्छी कंपाइल हुई भी हैं, लेकिन कितने लोग अपियर होते हैं हर साल? अराउंड 40,000 तो अप्लाई करते हैं ना, वो सब के सब उन्हीं दो किताबों से पढ़ रहे होते हैं। अब एक तो ये मोनोटनी आ जाती है, अब सब लोग एक ही चीज लिख रहे हैं तो एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा एक नंबर कहाँ से देगा? अगर वो सबको 11 दे रहा है तो वो आपको भी 11 नंबर ही देगा ना। तो इसलिए आपने एक सोर्स पे तो रिलाय बिल्कुल नहीं करना, एक चीज तो मोनोटनी, दूसरा ये कि अगर आप एक सोर्स पे रिलाय करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। देखिये सीएसएस एक बहुत वास्ट डोमेन है, कोई भी एक बुक जो कि इधर वो आपकी लोकल पब्लिकेशन हो या कोई इंटरनेशनल ऑथर की किताब है, किसी की भी है, वो उसको कभी भी कम्प्लीटली कवर नहीं करती। तो ये तो क्वेश्चन ही बहुत रेलेवेंट होता है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी किताब से पढ़ लें, एक किताब से आप नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि आपने पूरे पूरे वो क्या कहते हैं दीवान पढ़ने हैं या पूरी पूरी इंसाइक्लोपीडिया जो है वो पढ़नी है इस्लामियात की। रेलेवेंट और स्मार्ट अप्रोच आपने देखनी है इसमें। और आखिरी चीज ये कि इस्लामियात में हर साल लोग फेल होते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल एस्पायरेंट अगर अपनी जगह सोते हैं तो उसको लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास इतना नॉलेज तो जरूर है कि हम इस सब्जेक्ट को पास करें, लेकिन वो हम जैसे ही लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं, और सिर्फ इस वजह से कि हमने उसको बहुत कैजुअल लिया होता। अब हमने करना क्या है? एक तो ये कि इस्लामियात को हम एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस डोमेन के अंदर लेके चलते हैं। ज़कात का सवाल है, नमाज का सवाल है, कि कुरान की रूह से हदीस की रूह से इसकी ये आयात हैं, इसके ये रेफरेंसेस हैं, इसका ये मेथड है, इसके ये असरात हैं, बस वो हम एक रटा रटा चीज होती है वो याद करके चले जाते हैं, वहां पे लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने होराइजन को वाइड करें, आप खुद एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचें कि इस्लामियात की इंटरडिसिप्लिनरी नेचर किस तरह से है। देखें हमारे पास बहुत सारा ऐसा नॉलेज होता है जो हमारे पास ऑलरेडी है, नॉलेज बैंक में आपने कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, आपने एक्स्ट्रा सिर्फ ये करना है आपने उसको इम्प्रोवाइज करना। और बिलीव मी सीएस इज ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। आप ने जेंडर पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा होगा, आप में से हर कोई करंट अफेयर के लिए डाटा कलेक्ट करता है, आपके पास स्टेटिस्टिक्स होती हैं, ओआईसी के लेवल पे क्या हो रहा है उसकी स्टेटिस्टिक्स होती हैं, आपके पास स्टेटिस्टिक्स होती हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके पास स्टेटिस्टिक्स होती हैं कि जो जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके जो डेक्लाइन है वो किस तरह से हो रहा है, उनकी आपस की राइवलरीज क्या है, एक्सट्रीमिज्म है, मुस्लिम उम्मा की कोल्ड वार है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी भी होती हैं। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑफ किया होता है उन्होंने इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम इतना डेप्थ में पढ़ा होता है, हर पॉलिटिकल स्कॉलर पॉलिटिकल फिलोसफर के व्यूज़ पढ़े होते हैं, मुस्लिम्स भी पढ़े होते हैं, वेस्टर्न भी पढ़े होते हैं, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि हम उन चीज़ों को इस्लामियात के पेपर में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाएं अगली चीज पे कि अपने आर्ग्यूमेंट्स को और अपने रेफरेंसेस को डाइवर्सिफाई करना। अब देखें ये सिर्फ बातें नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि बहुत इजीली एप्लीकेबल है। जहां तक रेफरेंसेस की बात है, रेफरेंसेस में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एक तो जाहिर है हम सबको पता है कि हम लिखते हैं कि कुरान के रेफरेंसेस लिखते हैं, हदीस के रेफरेंसेस लिखते हैं, खुलवाए राजदीन की जिंदगी से मिसालें लिखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसालें हम लिखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ठीक है आप लिख सकते हैं जो अब्बासियों के दौर में भी ईमन होता रहा, कुछ कोई अच्छी एग्जांपल है आप वहां से ले सकते हैं, किसी इमाम का कॉल ले सकते हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, सॉरी
शाह वलीउल्लाह हैं, ठीक है, शेख अहमद सिरिंदी हैं, ये सब आपने पढ़े हुए हैं ना, ये सब हमारे पास होते हैं इनसे रेलेवेंट कोटेशन, लेकिन हम उनको नहीं यूटिलाइज करते। फिर एक चीज आपके पास आती है डोमेन, आपने खास तौर पे जो एक आपका चैप्टर है ना जिसमें होली प्रॉफिट एज अ रोल मॉडल है, वज़ अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट एज अ पीस मेकर, डिफरेंट उनकी जो डोमेन्स हैं, और उसमें से भी एक क्वेश्चन हर तरफ आता है, उसमें लाजमी एक किसी भी वेस्टर्न स्कॉलर की, किसी नॉन मुस्लिम वेस्टर्न स्कॉलर की का जो ट्रिब्यूट है जो कि नबी सल्लम के लिए, उसको कोट करें। इस तरह से जो है वो डिफरेंट होगा आपका पेपर। फिर एग्जामिनर अप्रोच आएगा, पेपर पैटर्न तो आपने एनालाइज करना होता है कि पेपर में वो पूछ क्या रहा है। अगर आप नमाज का टॉपिक कर रहे हैं तो इससे रेलेवेंट क्या क्या पहले सवाल आ चुके हैं, और फिर वो जो आप पहले उसको एनालाइज करने हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने पास पेपर से जो एनालाइज किया एग्जामिनर अप्रोच को, उन सब पे आउटलाइंस डेवलप करनी है। देखिए ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये सब हमने अपने सेशन में करना है, ठीक है। देखिए इस्लामियात मार्केट में हर कोई पढ़ा रहा है, और इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैं ये नहीं कहती कि जरूर आपको पढ़ना चाहिए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको मुझसे पढ़ना है तो देयर मस्ट बी अ रीजन ना, तो वो रीजन मैं आपको ये दे रही हूँ कि हम इसको ऐसे डिफरेंट बनाएंगे, ऐसे आपके लिए इसको हम ईजी बनाएंगे कि हमने अपने आर्गुमेंट डाइवर्सिफाई करनी है, रेफरेंसेस डाइवर्सिफाई करेंगे, हम एग्जामिनर अप्रोच को स्टडी करेंगे, और जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे उससे रेलेवेंट हम जितने पास पेपर के क्वेश्चंस हैं वो निकालेंगे, उसके ऊपर आउटलाइंस डेवलप करेंगे, ताकि जब हम पेपर में जाएं तो हमने सिर्फ फिलिंग करनी है। आपके पास जब आउटलाइन डेवलप हुई भी होती है उसका मतलब है आपके पास आर्गुमेंटेशन है, रेफरेंसेज तो ऑब्वियसली आपने याद करने हैं, खुद याद करने हैं, रेफरेंसेज आपको याद हैं, आउटलाइन आपने डेवलप की हुई है, हर पर्सपेक्टिव से आपने उसको एनालाइज किया हुआ है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। फिर उसके बाद ये कि इट्स कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं लिख सकते, लेकिन खैर ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अरबी का रस्म अल-ख़त कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है उर्दू से। अब मैं लिंग्विस्टिक की वो क्या कहते हैं लिसानियात की माहिर तो नहीं हूँ कि भाई मैं बताऊँ कि उर्दू से अरबी डिराइव कहाँ से हैं दोनों का रस्म अल-ख़त, बट बात कहने की ये है कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। अगर आप उर्दू लिख सकते हैं तो आप अरबिक भी लिख सकते हैं, और अगर आप एक दो कोटेशन भी अपने पूरे सवाल में अरबिक में लिख देते हैं तो उसकी उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अच्छा जाता है एग्जाम में। उसके बाद फिर ये चीज़ हम सबसे एंड पे करेंगे, पहले तो मैं आपको जाहिर है करना सिखाऊंगी कि आउटलाइन कैसे डेवलप करनी है, रेफरेंसेज कैसे कोट करनी है, किस तरह से क्वेश्चन करनी है। उसके बाद जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इंट्रो और कंक्लूजन जो है वो आपने कैसे बनाए, क्योंकि अगेन ये मैं आपको तो जो बना के दूंगी वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करने, आपने अपनी स्किल डेवलप करनी कि नमाज पे सवाल आ गया है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ और बात मैंने कहाँ ख़त्म कर, ठीक है। वो क्या है कि अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। So you have to make it different. अच्छा, बातें तो हो गई, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं कि हमने किस तरह से काम करा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, मैं आ रही। अच्छा, 2017 का पेपर आया था, थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल पेपर था, और इस तरह का पेपर आ जाता होता है, और जब आ जाता है तो फिर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए उसने पूछा, Who is entitled to receive zakat according to the Quran? Elucidating the social impact of zakat, clarify how can poverty be alleviated with its distribution in Islamic society? उसके बाद जो दूसरा सवाल है जो हम डिस्कस करेंगे वो है, Write a comprehensive note on the right of inheritance granted to women by Islam. तीसरा सवाल भी हम करेंगे, लेकिन वो आप करेंगे, पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं फिर आगे बात करें। देखिए जहां तक बात है ज़कात की, अब उसने पूछ लिया ज़कात गुर्बत, ज़कात की तकसीम से माशरे में गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन है, हाउ पॉवर्टी कैन बी एलिविएट। हम लोग जो पढ़ के जाते हैं वो ये पढ़ के जाते हैं कि ज़कात की जरूरत, ज़कात की अहमियत,
उसके ऊपर 4-5 रेफरेंसेस जो कि आपको हर जगह पढ़ाए जाएंगे, एकेडमिक में भी जो कोर्सेज होते हैं वो जो कराए जाते हैं, या इवन जो बुक्स हैं जो कंपाइल मटेरियल मिलता है उसमें आपको हर जगह यही मिलता है ना। लेकिन उसने पूछ लिया ज़कात गुरबत को कैसे खत्म करती है। अब जब तक आप अपने आर्ग्यूमेंट से इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि भाई हाँ ज़कात गुरबत को खत्म कर सकती है और करती है, एग्जामिनर आपको नंबर तो नहीं देगा ना। पेपर भर के आने से नंबर नहीं मिलता। तो इधर एक सैंपल ये देखें आंसर है, एक इंग्लिश में आगे उर्दू में भी मैंने आप दो दिखाती हूँ आपको, और ये तीनों जो है वो तीनों डिफरेंट तरीके से हुए हुए हैं लेकिन तीनों ठीक हैं। इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाता है, पहली बात तो ये कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए इतनी अच्छी, आपने इस तरह से एनालाइज पहले किया हुआ हो चीजों को, तो आप जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी ये कि थोड़ा सा आपने फिर अपने आंसर को यूनिक बनाने के लिए, या उसको 20 नंबर का सवाल जिसको कहते हैं ना, पूरा करने के लिए कुछ चीजें आपने इसमें फर्दर ऐड करनी होगी। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि पहले तो जाहिर है कि इंट्रो आपका आ जाएगा, फिर उसने पूछा कि ज़कात किसको देते हैं, वो तो मसारिफ ज़कात हैं, आप सबको पता है वो आपने लिखने हैं उसके अंदर। तीसरी चीज कि ज़कात से पावर्टी एलिवेशन कैसे होती है, ठीक है। तीसरा मेन इसमें हेडर जो इस सवाल को जिसने अटेम्प्ट किया उसमें डाला हुआ है, सबसे पहले कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। देखें ये जो चीजें हैं ना, ये इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, इस माशियात के जो असूल हैं ये उनसे डिराइव चीजें हैं कि इवन जो कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना निज़ाम है, उसकी जो बुनियाद है उसको जो स्टडी करते हैं लोग, वो जो इक्तसादियात के माहिर हैं वो भी ये कहते हैं कि वेल्थ की सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माशरे के अंदर अगर इकोनॉमी को चलाना, ठीक है। तो वेल्थ की सर्कुलेशन जो है वो किस तरह होती है, ऑब्वियसली ज़कात के थ्रू होती है वेल्थ की सर्कुलेशन। इसके लिए आप आगे कुरानिक रेफरेंस दे सकती हैं। कुरानिक रेफरेंस क्या है, कीला यकून दौलतम बैन लगनी आई मिनकुम, और ऐसा ना हो कि दौलत तुम्हारे चंद अमीर हाथों में इकट्ठी होके रह जाए। मफ़हूम मैं बता रही हूँ, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग ये नहीं बनता, बहरहाल यही है कि कीला यकून दौलतम बैन लगनी आई मिनकुम, तुम्हारे दौलत तुम्हारे चंद हाथों में सिमट कर ना रह जाए, ठीक है। और फिर अब आप इसको इकोनॉमिक्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे कि जब वेल्थ सर्कुलेशन में नहीं आती तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, कारोबार नहीं होते, ठीक है, जिससे आपकी इकोनॉमी नहीं चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्या चीज होती है, वेल्थ सर्कुलेशन में आना जरूरी होती है ताकि डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है मार्केट के अंदर वो मेंटेन रह सके। डिमांड और सप्लाई क्या होती है, तलब और रस्त कहते हैं उर्दू में इसको, ये आगे उर्दू में अटेम्प्ट हुआ वैसा सवाल वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब आपकी डिमांड और सप्लाई तब मेंटेन रहती है जब हैव्स एंड हैव नॉट का जो डिफरेंस होता है वो मिनिमम रहता है। इनकम इनइक्वालिटीज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती है, इसीलिए तो कैपिटलिज्म के अंदर सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है। इसीलिए इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है कंप्लीट हम पढ़ेंगे वो ब्लेंड है ना, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म का ब्लेंड है वो, ठीक है। तो कैपिटलिज्म को किस तरह से अमेंड किया है इन्होंने कि कम्युनिज्म की दुनिया में जगह नहीं बची है, हम तो अपना सिस्टम दुनिया को दिखा ही नहीं सके ना, बात में वैसे कैपिटलिज्म की कर रही हूँ। सरमायादाराना निज़ाम में तो ये चीज़ नहीं होती है कि आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी दें, इनकम इनइक्वालिटीज को खत्म करें, अगर उसके अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ें। लेकिन क्यों मजबूर हुए कैपिटलिस्ट ये करने के लिए, बिकॉज जब तक डिमांड सप्लाई का बैलेंस नहीं होगा इकोनॉमी नहीं चलेगी, और डिमांड सप्लाई का बैलेंस तभी होगा कि खरीदने वालों की कुव्वत खरीद तो होनी चाहिए, आप जो चीजें बना रहे हैं इंडस्ट्रीज में वो खरीदेगा कौन। खैर उसके बाद फिर बहरहाल ये तो एक बात होगी। फिर उसके बाद ये होता है कि जब ज़कात का जो अमाउंट है उसके थ्रू आप लोगों को एजुकेट करते हैं, जब लोग एजुकेट होते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स आप अपना तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स आपकी एक फिर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्स की अपनी एक पूरी डोमेन है जो आपने पढ़ी है देखी होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू कैसे जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद आपके पास होता है
की ज़कात के फंड से आप टेक्निकल एजुकेशन भी दे सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी लोगों को दे सकते हैं, ठीक है, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू ज़कात जो है वो पावर्टी को ख़त्म करती है। इट डज़न्ट मीन कि आपने गरीबों से पैसा लेके, अमीरों से पैसा लेके गरीबों को दे दिया, ज़कात खत्म हो गई, सॉरी ख़त्म हो गई, गुर्बत ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर इसमें आप जैसे आगे रेफरेंसेस में लिखा हुआ है कि आप मिसालें दे सकते हैं, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी से मिसालें दे सकते हैं, किस तरह से कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहा, इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हो गई थी समाज। फिर ये बात तो हमने एस्टेब्लिश कर दी कि ज़कात पावर्टी को खत्म करती है, क्या ज़कात का निज़ाम आजकल राइज है? तो हाँ बिल्कुल है। तो फिर क्यों गुर्बत खत्म नहीं हो पा रही? तो जाहिर है कि कुछ सिस्टम्स में फ्लॉज हैं, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, जैसे यहाँ डिस्कस हुए हैं ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लॉज हैं, करप्शन है, मिसहैंडलिंग होती है, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, ज़कात कटनी होती है तो लोग जो है वो बैंकों से अपनी रकम निकाल लेते हैं। और वैसे एक बात बताइए, इसमें मुख्तलिफ मतलब थोड़े सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है मुख्तलिफ फुकहा का, लेकिन होती ज़कात स्टेट लेवल पर, तो स्टेट के ऊपर तो लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है, लोग कहते हैं हम खुद दे देंगे, वो तो करप्ट होते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं, फिर जाहिर है इनका हल निकालना है। उसके हल के लिए क्या है, एक तो आजकल तो हर चीज में डिजिटलाइजेशन, तो आप डिजिटल रिकॉर्ड बनाए, उसमें मलेशिया का मॉडल है पूरा, मलेशिया ने और बांग्लादेश ने, इन दो कंट्रीज ने ज़कात के थ्रू पावर्टी को रिड्यूस किया अपने कंट्री के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है। तो पूरा एक डिजिटल मैपिंग आपके पास होनी चाहिए, कहाँ पर जो लोग हैं जो ज़कात दे सकते हैं, और उसी एरिया के लोग जो जिनके ऊपर ज़कात लगती है। अच्छा, पहले ये भी कंडीशन होती है ना कि जहाँ से ज़कात ली जाए उन्हीं लोगों पे खर्च की जाए। तो जब इसकी वजह भी ये होती है कि जब आपके इमीडिएट नेबरहुड के अंदर आपको उसके फायदे नजर आ रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर ये टेंडेंसी है एज अ ह्यूमन बीइंग कि जब हमें खुद किसी चीज़ का आउटपुट मिल रहा होता है या नज़र आ रहा होता है अपनी आंखों से, हम उसको देख रहे होते हैं, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा रागिब होते हैं, ठीक है, वी फील अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट थिंग। तो खैर, उसके लिए पहले तो सबसे क्या, आपको डाटा गैदरिंग, मतलब आपके पास डाटा होना चाहिए, आप डिजिटल मैपिंग अब तो करें हर चीज़ की। फिर ज़कात मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, करप्शन को आप ख़त्म करें, लोगों के ट्रस्ट को डेवलप करें, इस्लामिक टीचिंग को रिवाइव करें, ठीक है। अब यही सवाल उर्दू में अटेम्प्ट हुआ, ठीक है, इसको सबसे तारुफ इंट्रोडक्शन, ज़कात की अहमियत कुरान की रूह से, हदीस की रूह से क्या है, ज़कात के जरिए माशी इस्तेहकाम क्यों कर मुमकिन बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो डिसेक्शन हुई हुई है क्वेश्चन की, थोड़ी डिफरेंट हुई हुई है कि पहले मतलब एक होते हैं ना कि दलाइल नकली, यानी जो कि हम कुरान और हदीस से नकल करके एक बात बता देते हैं जिसके ऊपर किसी आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं होती, और एक होती है रैशनल आर्गूमेंट। तो इस्लामी तारीख से गवाही आप दे सकते हैं, फिर उस माशियात के असूलों से, माशियात के असूलों से अगेन वही तलब रस्म में तवाज़ुन, अफरात ज़र इन्फ्लेशन को कहते हैं, सरमायादाराना निज़ाम में भी इसकी ज़रूरत होती है, मेहनत पर दौलत का तसव्वुर जो है वो सामने आता है, फिर अगेन के मगरबी निज़ाम मईशत जो है उसकी नाकामी और दुनिया को नए निज़ाम की तलाश, और वो नया निज़ाम क्या हो सकता है, वो हाँ इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम जो कि ज़कात सेंटर्ड है वो हो सकता है, हम उसको इम्प्लीमेंट करके दुनिया को दिखा सकते हैं। इसी सवाल को देखें, इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको ज़कात का इंट्रोडक्शन लिखें, ज़कात से गुर्बत का खात्मा किस तरह से है, दलील नकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुरान की रूह से, हदीस की रूह से, अकली दलाइल में आप क्यों भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से आप क्या जो है वो डिराइव कर सकते हैं, हिस्ट्री से आप क्या डिराइव कर सकते हैं, और फिर कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स आप अलग से जो है वो मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आएंगी जो कि पीछे हम दो उसमें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको आप यूं भी डायसेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे ज़कात से गुर्बत का खात्मा मुमकिन तो है, बट हाउ, व्हाई वी हैव फेल्ड टू मटेरियलाइज दिस ड्रीम, और फिर वे फॉरवर्ड क्या है कि ज़कात के निज़ाम को मौसर किस तरह से बनाया जा सकता है, एंड एट द एंड यू हैव टू कंक्लूड। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है आपका राइट ऑफ इनहेरिटेंस ग्रांटेड टू द वुमन। अब देखें, वैसे तो बहुत सारे लोग इस चीज को चॉइस पर छोड़ देते हैं, विरासत का इल्म अगर देखा जाए तो आधा इल्म है दीन का, लेकिन हमने
उसको इस हद तक प्रिपेयर करना है कि अगर हमारा सवाल आ जाए तो हम उसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है? We are not required, वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता ये कि हमें सब कुछ पता हो उसके बारे में, लेकिन हमें इतना तो पता हो कि अगर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है और हमें ये इनहेरिटेंस पे सवाल करना पड़ जाता है तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जाहिर है आपके पास आएगा, फिर इम्पोर्टेंस जो है थ्रू कुरान एंड सुन्ना, इसमें सबसे पहले सबसे जो मशहूर आयत है कि भाई, और उसका मफहूम मैं बोल देती हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मैं हो सकता है वर्डिंग उसको रिवाइज ना कर सकूँ, कि वालदैन की जो विरासत है उसमें औरतों का भी ऐसा ही हक है जैसे मर्दों का हक है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, ठीक है? फिर उसके बाद आप इस किस्म के दो चार रेफरेंसेस देने के बाद इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस्लाम में वुमेन राइट ऑफ इनहेरिटेंस को इस हद तक इम्पोर्टेंस दी गई है कि जो इसे हम कहते हैं ना कि यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विरासत की तकसीम की अकाई वुमेन औरत को बनाया है। ये नहीं बताया गया कि जो बेटे का हिस्सा है उससे आधा जो है वो बेटी को देना है, बल्कि ये बताया गया है कि जो बेटी का हिस्सा है उससे डबल जो है वो बेटे का। ये सिर्फ बेटे और बेटी की विरासत की बात नहीं है, जितने भी बाकी आप विरासती असूल पढ़ते हैं उसमें जो विरासती तकसीम है वो वुमेन को एज अ यूनिट बना के सिखाई जाती है। समझ आ रही है इस बात की आपको? औरत इकाई है, औरत को क्या मिलेगा उससे उससे कितना ज्यादा या कितना कम बाकी जितने आपके हैं इनहेरिटेड लोग उनको मिलेगा। तो वुमेन एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, और डायलेमा देखें हमारी सोसाइटी का, उन्हीं को विरासत में हक नहीं दिया जाता, ठीक है जी? पहले तो आप इस चीज को इस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस को बता दें, फिर उसके बाद जो है कुछ आप यूं भी डिस्कस कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस ओवरऑल वसीयत जो होती है, अगर आपने विल मतलब वसीयत करनी है तो वो 1/3 हिस्से की हो सकती है, बाकी आप सारी विल नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, विल के थ्रू सारी अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, वो जितने आपके लीगल हेयर्स हैं उन्हीं को जाए, ठीक है? विरासत तो याद करने का भी कुछ तसव्वुर नहीं होता। फिर उसके बाद एज अ डॉटर देखें तो बेटी का हिस्सा होता है, अगर एक बेटी एक बेटे है तो बेटी का जो हिस्सा होता है वो 1 होता है और सन का जो होता है वो 2:1 में हम उनको जो है वो देते हैं, और अगर कोई मेल सिबलिंग नहीं है, ठीक है, सिर्फ बेटियां हैं तो बाप की जायदाद में बेटियों का जो हिस्सा होता है वो 2/3 होता है, यानी 2/3 जो प्रॉपर्टी है वो फिर बच्चियों में तकसीम हो जाती है, बाकी डिफरेंट और हेयर्स होते हैं उनको आप छोड़। इसी तरह से अगर सिर्फ एक अकलौती बेटी है तो उसके उसको आधी जायदाद मिलती है बाप की, अगर बेटा हो ना इकलौता तो उसको पूरी मिलती है, लेकिन बेटी होती है तो उसको आधी जायदाद। वुमेन राइट इन इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, ठीक है? तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से आपने इसको लेकर चलना है सवाल को, आपने एज अ डॉटर उनके इनहेरिटेंस राइट बताने हैं, एज अ मदर इनहेरिटेंस राइट को डिस्कस करना है, एज अ मदर भी अगेन आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, जब जो जिस बच्चे की जायदाद तकसीम हो रही है उसके आगे से औलाद है या उसकी औलाद नहीं है, तो इन दोनों केसेस में डिफरेंट हो जाती है फिर मदर की इनहेरिटेंस 1/6 और 1/3 रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली अगर हम वाइफ की इनहेरिटेंस देखें हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, तो वो भी जो है उसकी भी 2 कंडीशंस होती हैं, जब बच्चे हैं तो वो उसके जो राइट है वो 1/8 होता है, और अगर बच्चे नहीं है तो 1/4 हो जाता है। फिर इसी तरह से जो है अगर देखा जाए तो अगर और कोई लीगल हेयर नहीं है तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर जो है उसकी भी इनहेरिटेंस में राइट है, और सिस्टर का भी इनहेरिटेंस में राइट बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो राइट्स हैं वुमेन के इनहेरिटेंस के अंदर जिनको आपने डिस्कस करना। लेकिन अगर देखें आप अगर ये सारी चीजें लिखते भी हैं तो ये आपके मैक्सिमम 1.5 पेज लगेगा सिर्फ इस बॉडी पैराग्राफ के अंदर, ये जिसमें आप सारे इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करने के लिए आप इसमें फिर ये बता सकते हैं कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसकी रियल वर्ल्ड के अंदर
इम्पोर्टेंस क्या? इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, ठीक है, वेल्थ इक्वालिटी होती है, वेल्थ इक्वालिटी होगी तो जाहिर है आपकी पैट्रार्की खत्म होगी। फिर इसी तरह से जो जितने भी डिफरेंट अदर राइट्स हैं खवातीन के, उनकी प्रोटेक्शन तभी हो सकती है जब उसको इनहेरिटेंस में राइट मिले, जब उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन फिर उसके बाद मसला ये है कि इस्लाम गारंटी करता है ये सारे राइट, लीगल चेंज भी हैं, बट स्टिल अगर हम सेवन मुस्लिम कंट्रीज देखें तो मोस्टली जो है आप ऐसे ममालिक मिलेंगे जहाँ पर ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है इनको डिनाई किया जाता है। तो आप बताएंगे कि हर्डल्स क्या हैं, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम है, पेट्रार्कल सिस्टम है, ठीक है, कल्चर ऐसा है, स्टीरियोटाइप्स हैं, नॉर्म्स हैं, इस्लाम का एक गलत इमेज है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। फिर आपने इनको इंश्योर कैसे करना है, यानी वे फॉरवर्ड आप देंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें फिर जाहिर है आपने बताना है कि इस्लामिक टीचिंग को रिवाइव करना है, आपने स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, सोशल जो है एक आपने नॉर्म्स डेवलप करानी है ताकि उन लोगों का सोशल बायकॉट किया जा सके जो कि इस किस्म के हरकतें करते हैं, वुमेन एजुकेशन, वुमेन इंडिपेंडेंस को इंश्योर कराएं ताकि वो अपने राइट्स खुद जो है वो क्लेम कर सकें, फिर जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म, उसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे जो मसाइल हैं, ऐसे जो केसेस हैं उनको स्पीडी जस्टिस जो है वो इंश्योर किया जा सके। और फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे तो अब ये आपका 20 मार्क्स क्वेश्चन जस्टिफाई होगा, ठीक है। अगर आप वहां तक लिख के छोड़ देंगे तो फिर तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन जस्टिफाई नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमने यही अप्रोच फॉलो करनी है अपने सेशन के अंदर, कि हमने देखना है कि डिफरेंट डोमेन से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को हमने कैसे लेके चल। अब हम करेंगे क्या, हम जाहिर है सिलेबस तो सारा देखेंगे लेकिन हम स्टेप वाइज देखेंगे कि अगर आपकी जो है इबादत है उसमें से क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डिफरेंटली डायसेक्ट करना होता है एज कम्पेयर टू कि अगर कोई सिस्टम, कोई क्वेश्चन इस्लाम के सिस्टम में से आता है, ठीक है। तो हर जो चैप्टर है आपके सिलेबस का उसका जो क्वेश्चन है उसकी अप्रोच डिफरेंट हो। और फिर ये कि एक तो ये चीज हमने देखनी है, दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जब हम एक टॉपिक कर रहे हैं नमाज का फॉर इंस्टेंस, तो नमाज के हम हर डोमेन उसको एनालाइज करें कि कोई भी ऐसी चीज रह ना जाए। जैसे फॉर इंस्टेंस नमाज के तो फायदे क्या हैं, असरात क्या हैं, ये तो सारे हम डिस्कस करते हैं, अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है। लेकिन बाज़ दफ़ा तो एग्जामिनर यूं भी सवाल पूछ लेता है ना, कि जिस तरह से वो एक दफ़ा आया था कि इन असरात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, तो इसको इलुसिडेट करें, आप इसको एक्सपेंड करें। तो इस किस्म के जो क्वेश्चन हैं, अब जितनी ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस होगी ना आपकी, रिटर्न प्रैक्टिस डजंट मीन कि आपने पूरा पूरा इस्लामियात के पेपर सारे उठाने हैं, पास्ट और सॉल्व करना शुरू कर देने हैं। आपने सिर्फ क्या करना है कि रेलेवेंट जो भी हम टॉपिक कर रहे होंगे उसे जितने पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम देखेंगे, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस किया करेंगे, उसके ऊपर आउटलाइन डेवलप करेंगे, और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हम एज असाइनमेंट करेंगे, और उस असाइनमेंट को भी फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस बच्चे ने उसको किस तरह से जो है वो सॉल्व किया, और उसमें से अब कुछ ठीक और गलत नहीं होगा, इस तरह से कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी हमारी, हर बंदा अपने तरीके से उसको डायसेक्ट करेगा और हमारी जो आर्गुमेंटेशन है उसके अंदर जो है वो एनरिचमेंट होगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप हमारा सिर्फ इवेल्युएशन कोर्स ले लें, अभी भी डायरेक्टली जूम पे भी मुझे मैसेज आया, और इससे पहले भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो ये जो एडवर्टाइज किया इवेल्युएशन वाला पार्ट, हमने सिर्फ ये लेना। तो बच्चे ये तो पूरा कोर्स है ना, पूरा कोर्स ही हम कर ही इसी चीज के ऊपर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको थोड़ी सी नो हाउ नहीं होगी कि मैं पेपर को दे के कैसे चल रही हूँ या क्लास में बाकी लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअली तो मैं प्रोवाइड किसी को भी नहीं कर सकती। ये काम कोलैबोरेशन से होता है, और कोलैबोरेशन से आप यकीन करें कि ये बेस्ट होता है। तो ये मेथड होगा जो कि हमने फॉलो करना। अच्छा, मैं अभी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, देखें। डिस्क्राइब राइट ऑफ एजुकेशन फॉर फीमेल इन इस्लाम, इसको जॉट डाउन कर लें अपने पास, राइट ऑफ एजुकेशन फॉर फीमेल इन इस्लाम, ये SCSS 2006 के अंदर क्वेश्चन आया है, राइट, डिस्क्राइब राइट ऑफ एजुकेशन फॉर फीमेल इन इस्लाम, व्हाट आर द राइट बेस्टोड बाय इस्लाम टू वुमेन इन जनरल, ठीक है, आर द राइट गिवन
प्रैक्टिकली इन कंटेम्प्रेरी मुस्लिम वर्ल्ड? ओके ठीक है, आप उसको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, राइट बेस्टोर्ड बाय इस्लाम टू द वुमेन नहीं, उसने राइट ऑफ एजुकेशन पूछा है तो आप स्पेसिफिकली राइट ऑफ एजुकेशन को भी डिस्कस करेंगे. आर द राइट गिवन बाय द प्रैक्टिकली इन द कंटेम्प्रेरी मुस्लिम वर्ल्ड रीजन हाउ टू इंश्योर? अम्ब्री ने लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. ओके ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट कि मतलब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये बात भी आपको डिस्कस करनी चाहिए. राइट ऑफ एजुकेशन इन कुरान एंड हदीस, करंट सिचुएशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, हर्डल्स एंड कंक्लूजन. ठीक है, मोर और लेस इसको सबने एक ही तरह से डायफेक्ट किया है और इसको इसी तरह से करना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं इसको डायफेक्ट करूंगी तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगी. ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप एक इसका पूरा ओवरव्यू दे देंगे, ठीक है. फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि राइट ऑफ एजुकेशन फॉर फीमेल इन इस्लाम, ठीक है. उसके लिए आप जो आर्गुमेंटेशन देंगे वो आप जो जाहिर है मैंने आपको बताया था कि कुरान से आपने दलाइल देने हैं, हदीस से दलाइल देने हैं, फिर आपने एग्जांपल्स देनी हैं जो कि उनकी जिंदगी की एग्जांपल्स हैं, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी से मिसालें हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसालें हैं, ठीक है. वो आपने सारी देनी है, वो एग्जांपल्स देनी है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए. देन आप ये जो अमरीन ने पॉइंट लिखा कि इम्पोर्टेंस इस राइट की इम्पोर्टेंस है क्या, एजुकेशन का जो राइट है वो इतना ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए ज़रूरी है कि तालीम आपका बुनियादी हक है. एजुकेशन जो होती है वो आपके बाकी सारे राइट को इंश्योर कराने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है. तो मतलब ये वाला पॉइंट एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप जो है ये बता सकते हैं कि ये जो राइट डिनाई किया जा रहा है एजुकेशन का राइट, पहले करंट सिचुएशन भी डिस्कस की जा सकती है, फिर उसके बाद ये भी कहेगा ये जो राइट डिनाई किया जा रहा है करंट एरा के अंदर उसकी रिपरकशंस क्या हैं. उसकी रिपरकशंस आपको सोशल भी मिलती हैं, इकोनॉमिक भी मिलती हैं, ठीक है. डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का ना होना, ठीक है, पेट्रार्की का होना, ये सारी चीजें इस वजह से हैं क्योंकि आप एजुकेशन को डिनाई कर, कोई एजुकेटेड वुमेन जो है वो अपने बाकी राइट्स जो उसको दिए हैं इस्लाम ने, जो उसके बाकी लीगल राइट्स हैं वो उनको नहीं छोड़ेगी, वो क्लेम करेगी, ठीक है. तो एजुकेशन जो है उसको ही जब आप डिनाई कर देते हैं तो आप कंप्लीटली सप्रेस कर देते हैं, और जब आप सप्रेस कर देते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, एज अ रिजल्ट आप पूरी कम्युनिटी की जो डिवेलपमेंट है, जो ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअल भी, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, कल्चरल भी, उसको खराब कर देते हैं. और यही 57 मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हो रहा है. और फिर उसके बाद जाहिर है आपने जो है रिकमेंडेशन देनी है और उसको कंक्लूड कर. तो अब आप खुद देख सकते हैं कि जब मुख्तलिफ लोगों ने एक ही क्वेश्चन को डायसेक्ट किया क्लास में तो इसकी वजह से हमारे पास कितना डाइवर्सिफाइड ओपिनियन सामने आया. तो इस तरह से कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है उससे हमें फायदा होता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन, ठीक है. तो जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और बाकी लोगों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते. उनके लिए मैं ये बता दूं एक दफ़ा कि हमारी जो टाइमिंग होगी वो 5 to 7 होगी और मंडे टू वेंसडे क्लासेस हैं. इसकी फी 5000 है, ये 4 वीक के ड्यूरेशन है इस कोर्स की. बाकी जितनी स्ट्रेटेजी है, जितनी अप्रोच है इस सब्जेक्ट को लेके वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास बस एक दिन है, क्योंकि हमने इस कोर्स को रेगुलर स्टार्ट करना. तो काइंडली जो है एज अर्ली एज पॉसिबल आप रजिस्टर कर लें ताकि आपका कोई भी आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके.